Do subscribe and don't forget to press the bell icon to get instant notifications. आइए बात करते हैं कांचीपुरम मंदिर के दर्शनीय विवरण की और आसपास के कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों की। शिव कांची का मुख्य मंदिर एकामरेश्वर है। सर्वतीर्थ सरोवर से यह पास ही पड़ता है। यह मंदिर बहुत विशाल है। मंदिर के दक्षिण द्वार वाले गोपुर के सामने एक मंडप है। इसके स्तंभों में सुंदर मूर्तियां बनी हैं। मुख्य मंदिर में तीन द्वारों के भीतर श्री एकामरेश्वर शिवलिंग स्थित है। लिंग मूर्ति श्याम है। कहा जाता है यह बालू का निर्मित है। लिंग मूर्ति के पीछे श्री गौरी शंकर की युगल मूर्ति है। यहाँ एकामरेश्वर पर जल नहीं चढ़ाया जाता, चमेली के सुगंधित तेल से अभिषेक किया जाता है। प्रति सोमवार को भगवान की सवारी निकाली जाती है। एकामरेश्वर मंदिर के प्रांगण में एक बहुत पुराना आम का वृक्ष है। यात्री इसकी परिक्रमा करते हैं। इसके नीचे चबूतरे पर एक छोटे मंदिर में तपस्या में लगी कामाक्षी पार्वती की मूर्ति भी है। आसपास के अन्य तीर्थ स्थलों में सबसे पहला नाम शुमार है कामाक्षी देवी मंदिर। यह दक्षिण का देवगर्भा सर्व प्रधान शक्तिपीठ है। कामाक्षी देवी आद्य शक्ति भगवती त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमूर्ति है। इन्हें कामकोटी भी कहते हैं। कामाक्षी मंदिर भी विशाल है। इसके मुख्य मंदिर में कामाक्षी देवी की सुंदर प्रतिमा है। इस मंदिर में अन्नपूर्णा तथा शारदा के भी मंदिर हैं। एक स्थान पर आद्य शंकराचार्य की मूर्ति भी है। अगला है वदराज मंदिर। विशाल है। भीतर कोटी तीर्थ सरोवर भी है। यह पक्का है तथा इसके पश्चिम तट पर वराह मंदिर तथा सुदर्शन मंदिर है। अगला है वामन मंदिर। कामाक्षी मंदिर से दक्षिण पूर्व थोड़ी ही दूर पर भगवान वामन का मंदिर है। इसमें वामन भगवान की विशाल त्रिविक्रम मूर्ति है। यह मूर्ति लगभग 10 हाथ ऊंची है। अगला है सुब्रमण्यम मंदिर। वामन भगवान के मंदिर के सामने ही थोड़ी दूर पर सुब्रमण्य स्वामी का मंदिर है। इसमें स्वामी कार्तिकेय की भव्य मूर्ति है। इस मंदिर को यहाँ बहुत मान्यता प्राप्त है।